ஆடி ஆற எவ்ரிவன் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஆர் நியூ vlog. மோட்டு கே ஹால்சால் சப் படியா. उधर गाड़ी आ रहा, कचड़ा गाड़ी. पार्सल आज बन रहा है हम लोग का आलू फूल गोभी मटर की सब्जी और ये दाल इसमें बन चुकी है. इसमें हमारा चावल भी बन चुका है. तो अभी हमने नहा लिया है और अभी हम जा रहे हैं लंच करने. ये हमारा लंच, दाल चावल फूलगोभी आलू मटर का सब्जी एंड नींबू का अचार. तो आज हम इंडियन सिनेमा के बारे में पढ़ रहे थे, तो वैसे मूवीज़ तो हम लोग सबको ही देखते हैं, तो सोचे इंडियन सिनेमा का जो हिस्ट्री जो हम पढ़े हैं उसको शेयर करते हैं. उससे हमको भी याद रहेगा और आप लोग को भी याद रहेगा, बहुत कोई को पता भी होगा ये चीज़. तो जो इंडियन सिनेमा का जो कॉन्सेप्ट था मोशन पिक्चर का, वो इंडिया में लुमियर ब्रदर्स के द्वारा लाया गया था. और जो टाइटल था सिनेमा का उस समय वो था कोकोनट फेयर और आवर इंडियन एम्पायर. फिर जो पहले इंडियन जो मोशन पिक्चर बनाए थे उनका नाम था हरिश्चंद्र भटावडेकर, जिनको शेर दादा के नाम से जाना जाता है. और जो पहला सिनेमा हाउस जो 1900 में इस्टेब्लिश किया गया था वो मेजर वारविक के द्वारा किया गया था मद्रास में, जो कि अभी के समय चेन्नई कहलाता है. फिर 1916 में क्या हुआ, जैसे कि उस समय मूवीज़ बनने लगे थे तो मूवीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा था. तो जो हॉलीवुड बेस्ड जो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है, तो जैसे आपको पता होगा सबको को जो मूवीज़ देखते होंगे, तो उसमें यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का जो आता है टाइटल, तो वो अपना एजेंसी जो है इंडिया में खोलता है 1916 में. फिर उसके बाद जो पहला इंडियन मूवी, मतलब जो स्वदेशी मूवी जो बना था, वो हरिश्चंद्र था, राजा हरिश्चंद्र, वो बनाया गया था दादा साहब फाल्के के द्वारा, ठीक है, और 1913 में. और जो पहला बॉक्स ऑफिस हिट जो दिया गया था लंका दहन, वो भी दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाया गया था. और दादा साहब फाल्के को तो पता है, वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहलाते हैं. फिर 1922 में जो गवर्नमेंट है वो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है, क्योंकि उस समय जो मूवीज बन रहे थे वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, तो इसलिए एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता है. पहले कलकत्ता में लगता है, फिर उसके अगले साल मुंबई में लगाया जाता है, मतलब उस समय बॉम्बे कहलाता था. तो फिर जो पहली इंडियन वुमेन जो सिनेमा मतलब फिल्म बनाई थी उस समय में, जो इंडियन हिस्ट्री का है जो कोई वुमेन अभी तक नहीं एक की थी, तो पहली इंडियन वुमेन जो थी उनका नाम था फातिमा बेगम. तो 1926 में वो खुद अपना फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट करती है, जिसका नाम था बुलबुले परिस्तान. और जो पहला टॉकिंग मूवी था वो था आलम अरा, जो डायरेक्ट किया गया था अर्देशरी ईरानी के द्वारा 1931 में. और टॉकिंग फिल्म का मतलब है कि उसमें आवाज़ था, मतलब डायलॉग सुनाई देते थे. उससे पहले क्या था, 1910-1920 के टाइम में वो साइलेंट एरा ऑफ मूवीज़ कहलाता था, क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं होते थे. जैसे मूवी स्क्रीन किया भी जाता था तो म्यूज़िक सब अलग से बैंड बुला के अलग से उसमें प्ले किया जाता था, तो इसलिए ये टॉकिंग पहला टॉकिंग मूवी था. फिर जो पहला सॉन्ग था जो रिकॉर्ड किया गया था वो उसका टाइटल था दे दे खुदा के नाम पर. ये इंडियन हिस्ट्री का पहला सॉन्ग है जो रिकॉर्ड किया गया था. फिर जो पहला कलर फिल्म था जो बनाया गया था वो प्रभात, कोई प्रभात थे उनके द्वारा बनाया गया था सैरान धरी के नाम से. और ये जो कलर फिल्म था वो प्रोसेस और प्रिंट किया गया था जर्मनी ले जाकर. तो ये पहला कलर फिल्म था 1933 में जो बनाया गया था. और पहला साउथ इंडियन फिल्म जो था वो था प्रेम सागर. और दो बीघा ज़मीन जो है वो पहला मूवी था जो केन्स फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता था.
तो यही सब था छोटा मोटा जो हमको याद था, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करते हैं। हम लोग का बीन्स आलू का भुजिया ऑमलेट एंड पराठा डिनर। अभी बज रहे हैं रात के 10 और आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।